फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट लास्ट डे मैंने आप लोगों को कुछ फ्रेजेस राइट करवाए थे। करवाए थे बेटा? आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ फ्रेजेस और राइट करवा रही हूँ, ओके? उनके डाउन से ही आप लोग ये फ्रेजेस एड करेंगे। शॉर्ट फ्रेजेस। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइम। वॉट टाइम हम इसमें देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको टू मीन्स में देखेंगे। जैसे वॉट टाइम मतलब एक होता है कितने बजे। हम किससे पूछते हैं वॉट टाइम, क्या टाइम हुआ, कितने बजे हैं। और एक होता है किस समय, वॉट टाइम, अरे ये काम किस समय करना है, मतलब वॉट टाइम किस समय करना है, ओके? तो इसके बीच टू होते हैं, वॉट टाइम कितने बजे एंड किस समय, ओके? नेक्स्ट है आप लोगों का काम से। देखिए बेटा, कुछ वर्क फ्रॉम वर्किंग या कुछ बातें ऐसी होती है जिनका आपको खुद को भी नहीं पता रहता है कि हम लोगों को करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों को कोई पार्टी में जाना होता है, आपके फ्रेंड का फोन आता है, अरे आप पार्टी में चलोगे? आई कांट से, मैं कह नहीं सकता। क्या बोलोगे आप? आई कांट से। जब आपको पता नहीं होता है कि मुझे किस वक्त जाना है किस वक्त नहीं जाना है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? कांट से। कह नहीं सकता मैं कितने बजे आऊंगा, कह नहीं सकता, ओके? कांट से। नेक्स्ट है आपका नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नो वे, हो ही नहीं सकता। डू यू लाइक इट? क्या आपको ये पसंद है? जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा डू यू लाइक इट आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आप लोगों को किसी भी फूड के लिए या किसी ड्रेस के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकती हैं। डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है। काइंड ऑफ, आप उसके पहले क्या बोलेंगे? काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत। काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत। Never mind. Means है छोड़ो उसे। कई बार आप लोगों को कोई टॉपिक चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बात चल रही है, कोई फ्रेंड से बात चल रही है, कोई पेरेंट से बात चल रही है, किसी एल्डर से बात चल रही है, तो फिर आप क्या बोलें? Never mind, छोड़ो उस टॉपिक को। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नो वे, हो ही नहीं सकता। डू यू